Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं GMAT 2022 सिलेबस के बारे में. जी हाँ गाइस, आप लोग का GMAT 2022 का जो गाइस यहाँ पे सिलेबस है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है. किस तरह से आप GMAT 2022 का सिलेबस चेक कर सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस की PDF किस तरह से जो है डाउनलोड करना, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़, हर एक टॉपिक सेक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में. लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करके आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. सब क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आप लोगों का जो GMAT का 2022 का सिलेबस देखेंगे, सेक्शन वाइज आप लोगों का एग्जाम फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी उसके साथ साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देख सकते हैं, जैसे आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बता दिया बोर्ड सेक्शन GMAT का 4 बोर्ड सेक्शन है. यहाँ पे आप लोगों का गाइस एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड रीजनिंग हो गया, IR क्वांटिटेटिव हो गया, एंड यहाँ पे 4th वर्बल हो गया. टोटल गाइस 800 पॉइंट्स आपके यहाँ पे रहते हैं और आप लोगों को जो है 3.5 आवर्स प्रोवाइड कराया जाता है यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए. तो चलिए सबसे पहले जो फर्स्ट यहाँ पे एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट AWE के नाम से भी जिसे जानते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. तो गाइस आप लोगों को ये टेस्ट कंप्लीट करने के लिए टोटल यहाँ पे 30 मिनट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पे इस टेस्ट में राइटिंग स्किल और एबिलिटीज देखी जाती है, आप लोगों की क्लैरिटी, लॉजिक विद आर्ग्यूमेंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की जो है इसमें देखी जाती है. फिर ओवरऑल रेलिवेंस देखा जाएगा आप लोगों का, ऐसे लिखा जाएगा आप लोगों का कि कोई भी एक रिस्पेक्टेड टॉपिक दिया जाएगा उस टॉपिक पे आप लोगों को यहाँ पे ऐसे लिखना होगा. नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड रीजनिंग का गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो क्वेश्चन दे दिए गए, टोटल 12 क्वेरीज, टोटल जो है 12 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे 4 टाइप में से, और वो 4 टाइप यहाँ पे दे दिए, इसमें से आपको टोटल जो है 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस टॉपिक पे. नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटिटेटिव रीजनिंग हो गया. तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग में यहाँ पे अरिथमेटिक यानी कि मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसकी टॉपिक्स दे दी, इन टॉपिक्स में से पूछे जाएगा. नेक्स्ट अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, तो उसके भी पूरे सब टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए गए आप लोगों को, इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे. बात की जाए लास्ट वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग का भी गाइस यहाँ पे आप लोगों को पूरा प्रोवाइड करा दिया गया. आप देख सकते हैं 41 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे, 75 मिनट दिया जाएगा, 75 मिनट में आपको ये सेक्शन कंप्लीट करना होगा. इसमें आपका रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग मटेरियल यहाँ पे चेक किया जाएगा. अब गाइस यहाँ पे हमने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को लिंक दे दी गई, इस लिंक पे क्लिक करना, यहाँ से आपके सामने कंप्लीट एग्जाम पैटर्न ओपन हो जाएगा GMAT का. सो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप आसानी से GMAT 2022 की प्रिपरेशन करके इस एग्जाम को क्लियर करके क्रैक कर पाएंगे. इनकेस कोई और प्रॉब्लम फेस होती, कोई और हेल्प चाहिए, कोई डिटेल जानना, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.